नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। हमेशा देर कर देता हूं मैं, एग्जिट पोल बताने में देरी कर दी और चुनाव के परिणाम के बाद का वीडियो बनाने में भी देरी हुई है। दरअसल मैं अकेला हूं। डेली राजस्थान वन मैन शो है। मैं ही कैमरामैन, मैं ही स्क्रिप्ट राइटर, मैं ही एंकर और मैं ही एडिटर। अकेला होने के कारण आप तक पहुंचने में देर हो जाती है। खैर, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप देखते रहिए डेली राजस्थान। कोई वीडियो छूट ना जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। एग्जिट पोल के बारे में गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के चार ब्लॉक के बारे में चार वीडियो मैंने बनाए थे। दो वीडियो तो चुनाव परिणाम के एक दिन पहले ही डाल पाया था और एक वीडियो को चुनाव परिणाम के दिन सुबह डाल पाया। कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाजपा जीत गई, उसका भी वीडियो डालिए। तो पेस है ये वीडियो, शॉर्ट रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट बाद में आएगी। ये वीडियो आपकी कई जिज्ञासाओं को शांत करेगा। डेली राजस्थान के कई दर्शक कह रहे हैं कि डेली राजस्थान का एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। आपको यह भी देखना चाहिए कि बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े संसाधनों वाले बड़े बड़े चैनल और बड़ी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश की जनता ने रिवाज को कायम रखा, यानी एक बार कांग्रेस व एक बार भाजपा को सत्ता में लाने का रिवाज नहीं बदला है। लेकिन मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन तमाम कारणों को आपके सामने साझा कर रहा हूं। एग्जिट पोल बनते कैसे हैं, अपने आसपास के माहौल को देखकर, जनता के रुझान को जानकर और चुनाव प्रचार में समर्थन को देखकर तथा मतदान के दिन मतदाताओं का रुझान देखकर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। देखिए, मैं गोगुंदा में रहता हूं। गोगुंदा कस्बे में जो कुछ दिखा और चुनाव कैंपेन में जो कुछ दिखा, उसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किया गया है। तो मैंने जो कुछ अपने आसपास देखा, क्षेत्र में जो कुछ देखा, चाय की दुकान पर, किराने की दुकान पर, चौराहे पर, जहां कहीं मैंने जो कुछ सुना और जो कुछ देखा, उसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किया था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चाहिए। एग्जिट पोल के संदर्भ में सायरा का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसके आखिर में मैंने क्या कहा था? 3024 वोट जो भाजपा यहाँ से प्लस थी, वो इस बार इतनी वहाँ से प्लस नहीं रह सकती है। यहाँ से इस बार कांग्रेस को लीड मिल सकती है। ये अंदर ही अंदर काम कर रहे थे, तो ये अंदर काम करने का भी एक फायदा मिलता है। बीजेपी से भी पुष्कर तेली, पन्नालाल तेली उनके पिता और कई कार्यकर्ता जो है अंदर काम कर रहे थे, तो वो अंदर कितना क्या कुछ कर पाए होंगे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। चुनाव परिणाम जो आया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर रहकर काम किया गया है। अंदर किस तरह से काम किया गया, क्या काम किया गया, कैसे और किन लोगों द्वारा काम किया गया, यह जग जाहिर हो चुका है। 2018 के चुनाव के दौरान सायरा पंचायत समिति में भाजपा का बोर्ड था, तब भाजपा प्रत्याशी को यहां से 3024 वोटों की बढ़त मिली थी। इस बार सायरा पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड है, ज्यादातर सरपंच कांग्रेस समर्थित है। इसके बावजूद यहां से भाजपा को 4500 से अधिक वोटों की लीड मिली है। तो यहां 85 में से 57 बूथों से भाजपा ने लीड ली। यह कैसे हुआ, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट जल्दी ही आपके सामने पेश की जाएगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है और अंदर रहकर क्या काम किया गया है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही पा रहे होंगे। रही बात गोगुंदा ब्लॉक की, तो गोगुंदा ब्लॉक का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस पे मैंने क्या कहा, बात करते हैं पिछले चुनाव की। तो 2018 के चुनाव के दौरान यहाँ पर 26 ग्राम पंचायतें थी। 2018 के बाद गोगुंदा ब्लॉक में 5 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। कांग्रेस सरकार में सेमटाल, मदारडा, राव मादडा, सूरजगढ़, कुकड़ा खेड़ा व पाडलो का चोरा को ग्राम पंचायत बनाया गया, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलना लाजमी है, अगर कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं ने इसे बुनाया होगा। तो आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों का विघटन कर नई ग्राम पंचायतों का गठन करने से वोट कम ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वोट पंचायत गठन करने वाली पार्टी के पक्ष में बढ़ सकते हैं।
इसलिए गोगुंदा ब्लॉक से भाजपा को 2018 की तरह 4240 वोटों की बढ़त मिल पाना मुश्किल है। तो चुनाव परिणाम में ठीक वैसा ही हुआ। यहां से 2018 के चुनाव में भाजपा को 4240 वोटों की लीड मिली थी, जो इस चुनाव में घटकर 858 रह गई। मतलब इस बार भाजपा को यहां से करीब 3400 वोटों का नुकसान हुआ है। मेरा अनुमान था कि यहां से भाजपा 1500 वोटों की लीड लेगी। देखिए, इस बारे में मैं और बता दूं आपको, मतदान होने के बाद में, देखिए मतदान से पहले तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। मतदान हो जाने के बाद के वो रुझान थे, तो कोई मतलब एग्जिट पोल जो है वो मतदान से पहले तो जारी हो नहीं सकते। मतदान हो गया, चुनाव हो चुके थे, उसके बाद में वो वीडियो बनाया गया था कि क्या कुछ दिखा था वहाँ पे। तो ऐसे में जो कई लोग कयास लगाते हैं ना कि चैनल का झुकाव उस तरफ है या उस तरफ है, चैनल का झुकाव किसी तरफ नहीं है। चैनल तो एकदम, आप देखिए, 90 डिग्री एंगल पे है और चैनल तो 90 डिग्री एंगल पे ही रहेगा। ये 180 पे नहीं जाएगा, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री पे ही रहेगा। कयास है, लगाए जाते हैं, अनुमान है, लगाए जाते हैं। सारे अनुमान सही साबित नहीं होते, कई बार गलत भी हो जाता है। मतदान के बाद में मेरी बात उपजिला प्रमुख से भी हुई थी। उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली ने मुझसे कहा था कि गोगुंदा से हम 1200 वोटों की लीड लेंगे, लेकिन क्या 1200 की लीड यहाँ गोगुंदा से रही है? नहीं रही है, कम रही है। तो सबका अपना अनुमान होता है, कयास रहता है, और परिणाम क्या रहा वो भी आपके सामने है। तो मैं जहां कह रहा था कि यहां से 1500 की लीड बीजेपी ले सकती है और कांग्रेस भी यहां पे बढ़त बना सकती है, तो कांग्रेस की जो बढ़त की हम देखें तो 3500 वोटों से वोट पिछले चुनाव की वनिस्पत, इस चुनाव में गोगुंदा से कांग्रेस के वोट बैंक में तो बढ़ोतरी हुई है, ये दिख रहा है। ठीक है, यहां से मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि भाजपा यहां से 1500 वोटों की लीड ले ले, तो वो 1500 की न रह के 858 वोटों की लीड रही है। तो देखिए, अनुमान कहीं सही कहीं गलत भी होते हैं, और ये सारे अनुमान जो लगाए जाते हैं उसके मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि अनुमान कैसे लगाया जाता है। अब इस वीडियो में देखिए बड़गांव के बारे में मैंने क्या कहा। ऑल ओवर जो हम आकलन करके देखते हैं तो यहां से भाजपा बड़गांव से 1000 से 1500 वोटों के बीच में बढ़त ले सकती है। बड़गांव में भाजपा को 1000 से 1500 वोट ज्यादा मिलने के आसार थे, लेकिन यहां से भाजपा ने करीब 6500 वोटों से लीड ली और चुनाव जिताने में बड़गांव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ ये जीतू नागदा, प्रतिभा नागदा, इन सब के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ये काम था कि हर हाल में उनको बीजेपी को लीड दिलवानी थी। ऐसे में उन्होंने लीड दिलवाई। और यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े नेता के इशारे पर कुछ जातियों के लोगों ने विशेष तौर पर यहाँ पर काम नहीं किया, और ज़्यादातर लोग वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे जिन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया, तो उसका नतीजा कांग्रेस को यहाँ पर भुगतना पड़ा है। तो कांग्रेस ने ही कांग्रेस को यहाँ पर निपटाया है, ये साफ दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है। अब बात करते हैं कोटड़ा की। तो कोटड़ा की 21 ग्राम पंचायतों के बारे में मैंने क्या कहा था। कोटड़ा की 21 ग्राम पंचायतों से डॉक्टर मांगीलाल गराशिया को तकरीबन 8000 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 8000 वोट मांगीलाल गराशिया को कोटड़ा की इन पंचायतों से मिलता है तो ऐसे में डॉक्टर मांगीलाल गराशिया इस सीट को जीत सकते हैं। तो मेरा अंदाजा सही निकला। यहां से कांग्रेस को 8000 से अधिक वोटों से लीड मिली, लेकिन यहां की लीड को भाजपा की सायरा व बड़गांव की लीड खा गई और भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। तो मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि चैनल की जिम्मेदारी बनती है, चैनल का ये काम है कि वो एग्जिट पोल बताए, और एग्जिट पोल बताने का प्रयास किया था। कहीं पर एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो कहीं पर गलत, दो जगह पे सही भी साबित हुआ, दो जगह पे हो सकता है कि अंदर खाने कुछ चीजें, कई चीजें अंदर होती है जो रात के अंधेरे में चलती है, पर्दे के पीछे से चलती है, जो कई बार दिखती नहीं है। तो ये चीजें जो दिख नहीं पाई थी उसका कहीं ना कहीं उससे एग्जिट पोल भी प्रभावित हुआ। कहने में तो ये भी कहा जा रहा था ना कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही थी, लेकिन हुई क्या? तो एग्जिट पोल बड़े बड़े के अच्छे अच्छे को हो जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं है। अच्छा, मैं डेली राजस्थान की ओर से गोगुंदा क्षेत्र के सभी साथियों से, सभी युवाओं से, सभी मतदाताओं से और सब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपस में बैर ना बढ़ाएं और प्रेम से रहें।